जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पल ब्रॉडकास्ट मुंबई में एक रेडियो सेवा है। इसे हेराल्ड मैग्रेगर 1953 में जब ये न्यूजीलैंड से आए आरंभ किए थे, जो आज तक परमेश्वर की दया से अच्छी तरह से चल रही है, इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। इसके अलावा 2013 से टीवी प्रोग्राम भी चालू है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम्स देख रहे हैं और परमेश्वर का आशीष पा रहे हैं और आपके जीवन में भी परमेश्वर का महान योजना पा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य जो परमेश्वर का वचन बाइबल में जो लिखा है उसको समझाने के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप सत्य को जानो और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, जिसने उसे जाना है वो स्वतंत्रता पाए हैं। हम वही उसका ही गवाही है और हमारे जैसे कई लोग यीशु मसीह को पहचाने और स्वतंत्र हो गए हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता जाना है? जो आप जीवन जल प्रोग्राम निरंतर देखते रहे और आशीष पाते रहे, परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में ऐसे लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपकी प्यास बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों के जवाब देना चाहते हैं। क्रम के द्वारा जिसमें जीवित परमेश्वर का वचन हम इस माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं और आपके परिवार के लिए ये एक बहुत बड़ी आशीष है। और मैं आपसे बहुत ही नम्र विनती करता हूं कि आप इस सत्य की खोज में लगे रहें, सत्य की पहचानें और जीवित प्रभु यीशु मसीह के शरण में आए, जो आसमान के नीचे पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों के बीच में, जिसका नाम केवल उसी का नाम यीशु नाम है, उसी यीशु नाम में आज फिर एक बार हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को खोलें और प्रेरितों का काम उसका नवा अध्याय 1 से लेकर 9 तक। और शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क की आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठी मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वे इस पंथ पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम में ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे चुपचाप रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया और वे उसके हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए और वह 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया और ना पिया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर अपनी आशीष दे। आज का संदेश का शीर्षक है, परमेश्वर को जानना, परमेश्वर के द्वारा जाना जाना
और परमेश्वर के बारे में दूसरों को बताना, परमेश्वर को जानना, परमेश्वर के द्वारा जाना जाना और परमेश्वर के बारे में दूसरों को बताना। इस शीर्षक में तीन भाग है। पहला है परमेश्वर को जानना। प्यारे भाइयों बहनों, जानकारी अपने जगह में है और पहचान अपनी जगह में। हम ईश्वर के बारे में जान सकते हैं, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं जानकारी से केवल आप प्रभु यीशु मसीह को पहचान पाए। गलतियों की पत्री में एक बहुत अच्छा वचन है, गलतियों की पत्री 4 अध्याय और उसके 9वें आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना। यह पहचान दोनों तरफ से है। आप मेरे बारे में जानते होंगे लेकिन मुझे पहचानते नहीं होंगे। मेरे बारे में आपको जानकारी हो सकती है लेकिन जानकारी से जरूरी नहीं कि मेरा और आपका एक व्यक्तिगत संबंध हो। और इस पढ़े गए वचन पर हम एक ऐसी घटना को देखते हैं। सौल नामक एक व्यक्ति जो बहुत बड़ा एक तीव्रवादी व्यक्ति था और उसका एक अनोखी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह के साथ हुई दमिश्क के रास्ते में जब वो जा रहा था। उसका मूल जन्म यहूदी धर्म में हुआ और वो गमालियल के चरणों में बैठकर उसने व्यवस्था को सीखा। वो रोम का नागरिक था और बिन्यामिन गोत्र का था और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से उसने परमेश्वर को पहचाना। इस घटना को जब हम पढ़ते हैं, एक बात तो सच है और वह यह है कि मनुष्य सच्चे परमेश्वर को केवल जानना ही नहीं, उसको पहचान सकता है। एक और दूसरी बात, यह परमेश्वर इस मनुष्य के साथ एक संबंध बनाता है। इसकी भूमिका को अगर आप देखेंगे तो 7वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि स्तेफानोस का शहीद किया जाने की घटना और उस शहीद होने में सौल ने मसीहों को सताने में उसने स्तेफानोस के खून में सूंघ लिया था। उसको ये उत्साह मिला था कि अब उसके तीव्रवादी स्वभाव का प्रकरण और उसका फैलाव और उसका प्रकटीकरण करने के लिए उसने क्या किया, दमिश्क के आराधनालयों में और वहां के महायाजकों से वो चिट्ठी मांगने के लिए आए तो कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ में पाए, मतलब प्रभु यीशु मसीह के रास्ते में पाए, उन्हें बांध कर यरूशलेम में लाए, उनको सताए और उनको मार डाले। ऐसा एक व्यक्ति था सौल और यह तरशूश का रहने वाला था। तरशूश का रहने वाला सौल जो था उसके अंदर गर्म खून खोल रहा था, मसीहों के विरुद्ध वो बलवा करने वाला व्यक्ति था और मसीह के प्रति उसका विचारधारा सही नहीं था। ऐसे एक क्रूर तीव्रवादी विरोधी बलवा करने वाला आज्ञा ना मानने वाला हत्यारा एक ऐसे व्यक्ति के साथ हमारा प्रभु यीशु मसीह मुलाकात करता है। यह है प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव। हमारे पाप और हमारे कर्म कितने भी बुरे क्यों ना हो, कितने भी लाल क्यों ना हो, वो हीम के नाई वो श्वेत कर देता है। प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम जो है गंदे से गंदे कुकर्मी के हृदय को पार कर कर काट कर उसको परिवर्तन कर कर संत बनाने वाला प्रेम है। प्रभु यीशु मसीह का जो क्षमा है हमारे हर गुनाह को माफ कर कर हमें पाक और साफ और निर्दोष कर कर पिता के सामने प्रस्तुत करने वाला माफ करने का स्वभाव है। और ऐसे एक कुकर्मी के साथ प्रभु यीशु मसीह का दर्शन मिलना यह एक बहुत बड़ी बात है। आप सोचते होंगे मेरे पाप क्या माफ होंगे, आप सोचते होंगे मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं, क्रोधी हत्यारा है और ईर्ष्या रखने वाला, झूठ बोलने वाला, व्यभिचारी। एक बात मैं आपको शुरुआत में ही बता देना चाहता हूं और वह यह है, कितने भी बड़े गुनहगार क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। वो ईश्वरीय प्रेम से आपको प्रेम करता है। और आज इस घटना को सुनने के बाद आपको ये महसूस होगा
कि ऐसा व्यक्ति अगर माफ किया जा सकता है तो मैं भी माफ किया जा सकता हूं। हां, आइए हम इस व्यक्ति के इस बहुत बड़े घटनाक्रम में, जिसको हम आत्मिक भाषा में उद्धार कहते हैं, इस उद्धार की प्रक्रिया में इस व्यक्ति के साथ पांच घटकों में प्रभु यीशु मसीह ने दखलंदाज किया। किस प्रकार? दमिश्क में जब सौल जा रहा था कि महायाजकों से मसीहों को सताने के लिए उस चिट्ठी को मांगने के लिए, ताकि उनको वो मार डाले, प्रभु यीशु मसीह का ईश्वरीय प्रकाश और ज्योति सौल के ऊपर चमका। उस समय क्या हुआ, आइए हम देखें। सबसे पहले उसके तीसरी आयत में हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम का किताब 9वां अध्याय 3वीं आयत, परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। ये जो ज्योति का जिक्र किया गया है, ये आंधी तूफान और बिजली जब कड़कती है वो ज्योति के बारे में नहीं है। ये ज्योति प्रभु यीशु मसीह के प्रकाशमान ज्योति, उसकी पवित्रता की ज्योति, उसकी महिमा का तेजोमय प्रकाश, ये ज्योति उसके ईश्वरत्व से उत्पन्न होने वाली उसके उस परिपूर्णता में, उसकी महिमा में प्रकाश और ज्योति का प्रकटीकरण सौल के ऊपर हुआ। साधारण भाषा में बोला जाए, परमेश्वर का दर्शन सौल को दमिश्क के रास्ते में हुआ, और ये परमेश्वर को भाया कि वो अपने आप को सौल के सामने प्रकट करें, एक कुकर्मी को संत बना दे, एक पापी को पवित्र बना दे, नरक जाने वाले व्यक्ति को स्वर्ग पहुंचा दे, असत्य को मानने वाले व्यक्ति को सत्य का चेला बना दे, अंधकार में पड़े हुए व्यक्ति को ज्योति में ले आए। यह है प्रभु यीशु मसीह का मकसद, और इसीलिए वो हमारे लिए कलवरी के क्रूस पर मरा। इस दर्शन में सौल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? मनुष्य के उद्धार में सबसे पहला काम वो यह है, परमेश्वर पापी मनुष्य के साथ संपर्क साधता है। मनुष्य परमेश्वर के साथ संपर्क नहीं, पापी मनुष्य परमेश्वर को खोज नहीं सकता, लेकिन ये पवित्र परमेश्वर ये पापी इंसान के साथ संपर्क, जिसको हम अंग्रेजी में कॉन्टैक्ट बोलते हैं, गॉड मेक्स कॉन्टैक्ट विथ सिंफुल मैन, परमेश्वर पापी मनुष्य के साथ संपर्क साधता है, और ये संपर्क सौल के साथ दमिश्क के रास्ते में हुआ। और वो संपर्क का माध्यम क्या था? उसकी महिमा का प्रकाश, उसके तेजोमय ज्योति, और वो बिजली के समान आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। और उस समय क्या हुआ? और वह भूमि पर गिर पड़ा। तो परमेश्वर उद्धार में अगर किसी व्यक्ति या एक पापी व्यक्ति के साथ परमेश्वर उसको उद्धार देना चाहता है, परमेश्वर उसके साथ संपर्क साधता है। आइए हम योहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय उसके 37वें आयत पढ़ें। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। प्रभु यीशु मसीह के पास, पिता परमेश्वर के पास जो आएगा उसको कभी वो वापस खाली हाथ नहीं छोड़ेगा। आइए हम उसके 6वां अध्याय 44, कोई मेरे पास नहीं आ सकता, मनुष्य अपने प्रयास के द्वारा कभी भी परमेश्वर के पास नहीं आ सकता, जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले। दमिश्क के रास्ते में पिता परमेश्वर उस प्रकाशमान ज्योति के द्वारा सौल को अपने तरफ खींच रहे थे। परमेश्वर पापियों को अपनी तरफ आकर्षण करता है, वो अपने आंगन में उन्हें बसाना चाहता है, अपने बाहों में उसे ले उन्हें ले लेना चाहता है। और यहां पढ़ते हैं, जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले और मैं उसको अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। मनुष्य का उद्धार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, वो अंतिम दिन प्रभु यीशु मसीह के आने के दिन तक वो सुरक्षित है, उद्धार नष्ट नहीं होता, ये बाइबल का संदेश है। तो सबसे पहले परमेश्वर हमारे साथ संपर्क साधता है, और इस संपर्क साधने के लिए पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा, जो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन खुद परमेश्वर था, वो वचन देहधारी हुआ, देहधारी होकर मनुष्यों के बीच में अनुग्रह सच्चाई से वो डेरा किया, वास किया, और डेरा करते समय उसने संपर्क बनाया व्यभिचारिणियों से, कोड़ियों से, लंगड़े लूले लोग से, जो मर गए थे उनको जिलाकर,
और जो दुखी थे, निराश थे, उनके साथ वो संपर्क साध कर प्रभु यीशु मसीह अपने ईश्वरत्व का प्रमाण दिया। परमेश्वर मनुष्य के साथ संपर्क साधने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर इस भूमंडल के बाहर इस धरती में मनुष्य के संकट को देखकर खुश होने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर इस धरती में इस मनुष्य जाति के साथ संपर्क साधने वाला परमेश्वर है। दमिश्क के रास्ते में सौल के साथ परमेश्वर ने एक संपर्क साधा, अपने तेजोमय ईश्वरीय प्रकाश के द्वारा उसने संपर्क साधा। यह है पहला घटक जब परमेश्वर एक व्यक्ति को उद्धार देता है। दूसरा, उसके चौथे आयत में पढ़ते हैं और वो यह है निश्चयता, या परमेश्वर के बारे में जो निश्चयता है। पढ़ते हैं, और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। आज भी यीशु मसीह की आवाज को आप सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के द्वारा आप मेरी आवाज नहीं सुन रहे हैं, आप परमेश्वर की आवाज इस वचन से आप सुन रहे हैं। मनुष्य रूपी आवाज नहीं, यह परमेश्वर की वाणी है। और उस रास्ते में सौल भूमि पर गिर पड़ा और वह शब्द सुना, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। सौल सताने वाला था, मार डालने वाला था, क्रोधी इंसान था, तीव्रवादी था, मसीहों को घसीट घसीट कर मारने वाला था। और आपको बताऊं, इस धरती पर मसीह के लोगों के विरोध में जो हर मार का दर्द वो स्वर्ग में महसूस होता है। इसीलिए इतिहासकारक टर्टुलियन ने इस प्रकार कहा, शहीदों का खून कलिसिया का बीज बन गया। आज के इस दिन के क्षण के समय तक अनेकों शहीद प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने प्राण को दे दिए, लेकिन उनका वो प्राण का न्योछावर करना व्यर्थ नहीं हुआ। शहीदों का जो लहू है वो कलिसिया का बीज बन गया। यहां पर इस दूसरे घटक में सौल को ईश्वर की आवाज की सुनवाई, ईश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध का आभूति होने लगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद वहां पर सौल से बात कर रहे थे, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। मेरे प्यारे भाई, प्यारे बहन, क्या आप इस यीशु मसीह की आवाज को आज सुन रहे हैं? वो आपके हृदय के द्वार पे आकर खटखटा रहा है। इस प्रभु यीशु मसीह के बारे में आप एक विचारधारा बनाइए। वचन के आधार पर यह विचारधारा होनी चाहिए, आप अपनी विचारधारा ना बनाएं। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो प्रमाण है ईश्वर होने का, उद्धार देने वाला, उस विचारधारा के अंतर्गत आपकी विचारधारा होनी चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह ने उस दर्शन में जब वो जमीन पर गिरा तो उसको वो अपने ईश्वरत्व का प्रमाण देकर उसकी विचारधारा को ठीक किया। और प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, तू मुझे क्यों सताता है। 9 अध्याय 5 और 6 में साउल के उद्धार के बारे में पढ़ते हैं। ये उद्धार की तीसरी और महत्वपूर्ण घटक है। 5 और 6, उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। सौल ने पूछा, हे प्रभु तू कौन है। क्या आप आज इस सवाल को पूछेंगे, इस परमेश्वर के वचन को सुनकर, क्या आप इस वचन को सुनकर आप इस सवाल को पूछेंगे, हे प्रभु यीशु मसीह तू कौन है। प्रभु यीशु मसीह जरूर आपके सवाल का जवाब देंगे। आज इस समय जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाना चाहते हैं, पहली बात। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में एक ठोस निश्चयता का एक विचारधारा आपको बनाने में मदद करना चाहते हैं। तीसरा, संपर्क और विचारधारा जब आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में बना लेते हैं, आपको वो अपने ईश्वरत्व का प्रमाण देना चाहते हैं, आपको उद्धार देना चाहते हैं। इस संपर्क जब आपके मरी हुई आत्मा को जिलाकर आपको उद्धार देकर, आपकी आत्मा को उद्धार का अनुभव दिलवाकर, प्यारे भाई प्यारे बहन, सौल पूछता है, हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु मसीह हूं जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर छठवें आयत, नगर में जा और जो कुछ तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। वहां पर सौल का उद्धार के बारे में देखते हैं। उद्धार का मतलब क्या है? किसी चीज में से किसी में आ जाना। किस में से? पाप के स्वभाव से, नरक से, पाप का दंड से, पाप का न्याय से, परमेश्वर का श्राप से माफी की ओर आ जाना, स्वर्ग में आ जाना, आशीष के दायरे में आ जाना और अनुग्रह का
उस दायरे में आ जाना। सौल जो सताने वाला था, श्राप से, दंड से परमेश्वर के अनुग्रह के दायरे में आ गया। आज परमेश्वर आपको उस दंड, न्याय और श्राप से इस अनुग्रह, क्षमा, माफी, प्रेम के दायरे में आज लाना चाहता है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं उसके छठे और सातवें आयत में सौल ने क्या किया। उसके उद्धार के बाद जब उसने यीशु मसीह का दर्शन पाया तो उसने अपने आप को समर्पण कर दिया। परंतु अब उठकर नगर में जा और तुझे करना वह तुझसे कहा जाएगा। प्यारे भाई, प्यारे बहन, प्रभु यीशु मसीह के सामने वो दंडवत किया, सताने वाला सहने वाला बन गया, प्रचारकों को मार डालने वाला खुद प्रचारक बन गया। प्यारे भाई, प्यारे बहन, इसको बोलते हैं सुसमाचार का करिश्मा। और ये करिश्मा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कलवरी के क्रूस पर हुआ। वो क्रूस की करिश्मा के कारण आपके जीवन में भी एक परिवर्तन आ सकता है। नवा अध्याय 8 और 9 में हम देखते हैं किस प्रकार वो 3 दिन अंधा हो गया और प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति में था। 5 बातों को हमने देखा इस बहुत बड़े घटनाक्रम में। पहला, परमेश्वर और सौल के बीच में संपर्क। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह के बारे में एक निश्चित विचारधारा। तीसरा, उसके जीवन में उद्धार का अनुभव। चौथा, उसके जीवन में इसके कारण समर्पण की भावना। और 5वां, प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति। मैं इस प्रकार कहता हूं, मेल में मिलन है नहीं तो विभाजन है, संगति में गति है नहीं तो दुर्गति है। प्यारे भाई, प्यारे बहन, क्या आप इस यीशु मसीह के पास आएंगे और अपने जीवन में उस उद्धार का, जो बहुत बड़ा वरदान है, क्या आप उसको स्वीकार करेंगे? इस यीशु मसीह के पास आए जो आपसे एक संपर्क साधना चाहता है और आपको एक नया इंसान बनाना चाहता है और आपको अपना बेटा और बेटी बनाना चाहता है। आप इसके इनके पास आइए और प्रार्थना करिए, हे प्रभु, मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मुझे माफ़ कर, मैं तुझे प्रभु और उद्धार करता होकर ग्रहण करता हूँ, करती हूँ, आमीन। इस छोटी सी प्रार्थना को अगर आप करेंगे तो निश्चय आपका और परमेश्वर के साथ संपर्क हो जाएगा। धन्यवाद। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें की है और इस विषय में आप अधिक जानकारी जानना चाहते हैं एवं प्रार्थना के विषय बांटना चाहते हैं तो निसंदेह हमें संपर्क करें। हमारा पता, जीवन जल, नव भावना बिल्डिंग, 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 40025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पोंडेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 09892580744। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस jeevanjaltv@youtube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे और शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पे देख सकते हैं। धन्यवाद।